मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, क्योंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये कहा था कि अगर इस कानून पे हम लोग कुछ दिनों के लिए रोक लगा देते हैं, कानून अभी लागू नहीं होगा, और कमेटी गठित कर दी गई कि कमेटी में सारे विचार विमर्श करें, तमाम बिंदुओं पर बात करें, तो क्या उस परिस्थिति में, उस स्थिति में आप लोगों की क्या डिसीजन जब आ जाएगा उसके बाद में कोर कमेटी की मीटिंग बैठेगी और हम उसमें फैसला लेंगे, उसमें फैसला लेंगे, जो लीगल हमारे लोग होंगे उनके सबसे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसका जवाब दे पाएंगे। कल काफी लंबी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई कि आप लोग चीजों को ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे, किसानों के साथ लगातार सहानुभूति सुप्रीम कोर्ट की रही, और कोर्ट भी ये नहीं चाहती कि इस ठंड में इस तरीके से किसान जो है जिस तरीके से तकलीफ झेल रहे हैं वो झेले, हालांकि आंदोलन के लिए भी इस कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है ऐसा, तो क्या कहना चाहेंगे कल जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ठीक कहा, हम धन्यवाद देते हैं कोर्ट का कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है उन चीजों को, और कोर्ट और भगवान दो ही तो हैं, अब यहाँ पर सरकार और तो कुछ आए नहीं, वही कोर्ट है और भगवान है, दो पे ही तो भरोसा है। तो कोर्ट पे जब आप लोगों को पूरा भरोसा है, आप खुद ही कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट ये आदेश देती है, क्योंकि कोर्ट लगातार इसके पहले भी कह चुकी है कमेटी गठित करने की बात, और कोर्ट ये भी कह रही है कि कानून में फिलहाल हम रोक कुछ दिनों के लिए लगा सकते हैं, लगाने की बात अभी की है, अभी ऑर्डर में नहीं आया है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग? अब देखेंगे कमेटी जो हमारी कमेटी होगी वो डिसीजन लेगी इस पर। तो क्या ऑर्डर आने के बाद आप? हाँ, जब ही लेंगे, ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद में सलाह मशवरा करेंगे क्या करना। तो क्या आप लोगों की लीगल टीम इस तमाम बिंदुओं को देख रही है? देखेगी, देख लगी होगी। 26 जनवरी में जो आप लोगों ने यहाँ पर रैली, ट्रैक्टर रैली निकालने की बात की है, उसमें यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, दिक्कतें आएंगी, एम्बेरसमेंट होगा। तिरंगे झंडे पे दिक्कत है, लोग तो कहते हैं कि तिरंगा झंडा लेकर सब निकले, सरकार पूरा पर्व मनाती है, मतलब आज तिरंगे झंडे पे बैन लगाने की बात तो पहली बार देश में सुन रहे, देश तो आजाद हो गया, अंग्रेजों की हुकूमत तो अब है नहीं कि तिरंगे पे बैन होगा, कहीं कहाँ है बैन तिरंगे पे, हमें वो दिखाओ कहाँ बैन है तिरंगे पे। नहीं, तिरंगे पे बैन की है तो किसान के ट्रैक्टर पे है, मतलब खेत में चला गया ट्रैक्टर, अपने खेत में हम तिरंगे झंडे पे, अगर ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगा के चले तो बैन है क्या? 26 तारीख में हम दिल्ली में आएंगे तिरंगा लेके और ट्रैक्टर पर लगा के आएंगे, और कौन रोकेगा उसे देखेंगे, हम तलाश उसी की कर रहे जो तिरंगे यात्रा को रोकेगा हमारी। नहीं, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्ण, अरे शांतिपूर्ण रहेगा तिरंगे पे, को यहाँ लड़ाई हो रही, शांतिपूर्ण रखेंगे, ठीक है। हमने तो एक आगे टैंक और ट्रैक्टर बराबर बराबर चलेंगे, पहली तो परेड होगी, एक तरफ पुलिस रहेगी, एक तरफ हम रहेंगे, अब तिरंगे झंडे देख रहे हैं किसके हाथ में ज्यादा रहेंगे। 26 तारीख को सर पे टिकट मिलेंगे उस दिन, तो हमको क्यों कायम ना अफगानिस्तान, नहीं हमको अफगानिस्तान का झंडा ले रहे हैं, ये खालिस्तान को देश है, ये जो इस तरह की जो बात ये लोग कर रहे हैं उसी लिए तो तिरंगा झंडा लेकर आ रहे हैं हम ट्रैक्टर पे, ये आवेंगे दिल्ली में। लेकिन देखिए, फिर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने भी कहा, आपने खुद कहा था कि दो कदम सरकार चले, दो कदम हम चले, तो अड़ियल रवैये से समाधान निकलेगा या बात से समाधान? अड़ियल रवैये से, बिना अड़ियल रवैये के समाधान निकल जाएगा। गन्ने के आगे आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, गेहूं के आगे महाराज आटा पीस जा, पीस जाएगा इतने उसमें कुछ चक्की में कुछ नहीं रगड़ते, इतने नहीं पीते, सरकार भी वही है, सरकार बिना उसमें को रस नहीं देती, सरकार बिना टाइट करे, इसकी चूड़ी चढ़ाएगी अभी और कम चढ़ रही, अभी और थोड़ी टाइट करेंगे, जहाँ ढील है लूज है, अभी बड़ा नहीं आंदोलन हमारा उस हिसाब का बन जाएगा, 5-10 दिन लगेंगे और ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन और तेज करेंगे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात का तो आप लोग मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजें आज ऑर्डर में अपनी कहती है तो उस क्या क्या कहेगी, उन्हें पढ़ेंगे फिर क्या क्या कहेगी। कल कुछ किसानों ने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो किसान कानून है उसको रोकने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, पूरी तरीके से किसान कानून को रद्द करें, ठीक है।
ये तो किसान कानून तुरंत तो रद्द हो नहीं सकता, उसकी भी प्रोसीजर है, क्या दिक्कत है? तो होगी तो क्या उस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग कोर्ट? हम यहाँ से नहीं जाते, इतने कानून खत्म नहीं होता, हम जाएंगे नहीं। कोर्ट क्या कहेगा उसकी बात सुनेंगे, उसमें फिर सलाह मशवरा करेंगे। कोर्ट तो भगवान है और थोड़ा किसी का सहारा है हमारे। तो कोर्ट के आदेश के बाद आप लोग अच्छा आदेश ये कैसे पता कि कोर्ट में ये आदेश आओगा? नहीं ये पता तो अब तो ये आप ये कैसे ये कैसे पता सरकार को के कानून खत्म नहीं करने के, मतलब कोर्ट के आदेश का ये पता है कि कोर्ट कानून तो खत्म करेगा नहीं, धरने को खत्म करेगा, ये कैसे पता? धरने को खत्म करने अच्छा? की बात नहीं कही है कोर्ट ने, यहाँ पर कानून को खत्म करने की बात नहीं है। कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में एक ही चीज जो सुनवाई के दौरान हाँ। कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि हम एक कमेटी बनाने की सोच रहे हैं, और दूसरी बात कि ये जो कानून बना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। ये दो बातें कोर्ट ने कही आज है। देखेंगे ना उनका आ जान दो लिखत पड़ा तो मैं क्या होगा। तो आप लोगों की तरफ से कब तक जो जवाब कर लेंगे? सलाह कर लेंगे, हम भी सलाह कर लेंगे, सलाह करेंगे, सलाह करके बताऊंगे भाई। कोर्ट बड़ी चीज होती है, सरकार तो भी बड़ी है, सबसे बड़ी है। सलाह करके सही जवाब देंगे, वकील से पूछेंगे। हम तो गाँव के लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, वकील से पूछेंगे क्या सलाह देनी करनी। हाँ साथ चलेंगे, वहां चलेंगे 26 तारीख में साथ, और अपने कुछ झंडे और कुछ फौज के आदमियों को ट्रैक्टर पर बैठाओगे, और कौन झंडा नहीं पकड़े तिरंगा, पुलिस को तिरंगे झंडे देंगे हम। अगर वे नहीं पकड़ेंगे तो वे हैं बाहर के, उनकी तलाश करेंगे। 1,00,000 झंडों का ऑर्डर दे दिया, आओगे झंडे। हमने कोई अनाज थोड़ा मांग रहे, हम आटा दाल यहाँ पे आटा दाल बहुत आ गया, अब हमें झंडा दाल में दे दो ना। फंडिंग करने वाले मिल रहे अब ना बहुत, बता बाहर की फंडिंग आ रही हो, मिल नहीं रहा कोई, कोई मिला तो बताइयो, झंडे चाहे हमें दान में।